الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إسلام إك أمن ولا دين अमन वाला मजहब है एक ऐसा दीन है जो पूरी दुनिया में सारे मजहब में सारे मजाहिब में सारे दीनों में सबसे ज़्यादा अमन व सलामती का पैगाम देता है और इस्लाम की तालीम अगर किसी समाज में लागू कर दी जाए तो वो समाज अमन वाला बन जाएगा लेकिन हम आज इस्लाम की तलीमत से दूर हैं कि आज इस्लाम कितना अमन वाला दीन है हमको नहीं मालूम इसलिए जो इस्लाम पर एतराज़ात होते हैं हम जवाब नहीं दे पाते हम ख़ुद इस्लाम पर एतराज़ात सुन सुन के ऐसे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इस्लाम में ऐसा है क्योंकि तो हमारे पास इल्म नहीं होता है तो इस्लाम ये दौर जो चल रहा है ना ये ऐसा दौर है कि आज इस्लाम पर बहुत सारे एतराज किए जा रहे हैं इस्लाम को बहुत सारी गलत चीज़ों से जोड़ा जा रहा है इस्लाम मुसलमान इस्लाम मुसलमान एक फेवरेट टॉपिक जो है आपको मीडिया में दिखाई देगा हर जगह दिखाई देगा झूठ है लेकिन उसको यानी इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आज चल रही हैं तो हमारी जिम्मेदारी आज के दौर में है जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं कितने सारे सवालत कर रहे हैं वहीं कम से कम आज के दौर में अपने दीन को बचाने के लिए इस्लाम की तलीमत सीखें कि इस्लाम कितना अमन वाला मज़हब है इसकी एक एक तालीम और जितने एतराज होते हैं उन सब एतराज का जवाब हमारे पास होना चाहिए तो एक तो ये कि इस्लाम को ये जोड़ा जा रहा है कि इस्लाम और मुसलमान ये जो है समाज के लिए ख़तरा है जैसा कि पहले इससे पहले मैंने ज़िक्र किया था कि इस्लाम अमन की तालीम देता है और फसाद से मना करता इस्लाम समाज में फसाद नहीं चाहता बाकायदा अल्लाह ने कहा कि क़ियामत के दिन अल्लाह के दरबार में वही आदमी कामयाब होगा जो ज़मीन में फसाद नहीं करता था ऐसे इस्लाम पर आज के दर्स में एक बात जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी बकरा की आयत नंबर दो सौ छप्पन है कि एक एतराज लोग ऐसा करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान जो आए उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया पहले नहीं थे और आज ये बाकायदा लोगों को बताया जाता है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर बहुत सारी चीजें कि मतलब पहले सब ऐसे नहीं थे मुसलमानों ने किया जबरदस्ती किया या तलवार के जोर से किया या फलां के जोर से झूठ है इस्लाम में या इस्लाम के बारे में यह बहुत बड़ा झूठ है कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया या कोई मुसलमान होता है तो किसी ने जबरदस्ती उसको किया है नहीं इस्लाम की तालीम यह है ही नहीं अल्लाह फरमाता ला इकराहा फिद्दीन दीन में कोई जबरदस्ती है ही नहीं इस्लाम को मानने और नहीं मानने में अख्तियार है तुम्हारा ला इकरा इससे बड़ा फंडामेंटल राइट्स इससे बड़ी आजादी किसी धर्म में है ही नहीं है इस्लाम ला इकराहा फिद्दीन दीन में कोई जबरदस्ती नहीं इकराह किसको बोलते हैं इकराह कहते हैं किसी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि अब उसके सामने कोई चारा नहीं है मानने के लिए अल्लाह कह रहा है ला लाकरा है ही नहीं किसी को प्रेशर डाल करके मजबूर करके इस्लाम में लाना इस्लाम में है ही नहीं और ऐसा इस्लाम कबूल भी अल्लाह नहीं करेगा जो दिल से नहीं माना गया किसी को मजबूर करके किया वो इस्लाम अल्लाह के यहाँ कबूल भी नहीं है नहीं काबिल कबूल है ही नहीं है तो जब वो अल्लाह के यहाँ ही काबिल कबूल नहीं होगा तो ऐसा जायज़ कहाँ से होगा तो ये तो कुरान की तालीम है कि दीन में ज़बरदस्ती है ही नहीं तो किसी को ज़बरदस्ती कैसे मुसलमान करेंगे हाँ, और आप पूरी तारीख देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप देखें सहाबा की जिंदगी देखें कोई एक ऐसा आप बता दें वाकया किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया समामा इबन वसाल कितने सहाबा को कत्ल किए थे हाँ पकड़ के लाए गए समामा इबन वसाल इस्लाम लाने से पहले कितने सहाबा को उन्होंने कत्ल किया था सहाबा ने एक दिन पकड़ लिया हाथ में आ गए वो ऐसा दौर चल रहा था लाए मस्जिद नबी में बांध दिया अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं हां मैंने किया ऐसा सजा क्या मिलनी चाहिए थी एक आदमी कातिल है कातिल है गुनाह कबूल कर रहा है जुर्म मान रहा है किया है कि भाई मैं, हां मैंने कई सहाबा कत्ल किया है लेकिन मस्जिद नबी में बदा हुआ है आपने एक आध दो दिन रखा उसके बाद कहा छोड़ दो जाने दो छोड़ दिया और उसके बाद खुद से आकर के इस्लाम कबूल करके आकर के दाखिल हुए किसने मजबूर किया था भाई उनको कुछ नहीं ना किसी ने मारा ना सताया ना गाली कुछ नहीं इतमान से खाना पीना सब कुछ दिया उसी मस्जिद नबी में बताया सारी चीजें कुछ नहीं कोई प्रेशर नहीं कुछ भी नहीं ऐसे कितनी तालीमात आपको मिलेंगी पूरी नबी की जिंदगी पूरी सीरत है किसी एक को आप बता दें कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए क्या गया अल्लाह कहता अल्लाक दिन दीन में इस्लाम में जबरदस्ती है ही नहीं वो दाई कामयाब दाई है ही नहीं बन सकता ही नहीं है जो किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करवाए वो अच्छा दाई है ही नहीं वो अच्छा मुसलमान है ही नहीं जो किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए है ही नहीं इस्लाम की तालीम ही नहीं है क्यों ऐसा नहीं है अल्लाह कहता मिल गई ये इसकी वजह है कि हिदायत और गुमराही वाजे हो चुकी है भाई दबाव कहां डाला जाता है प्रेशर कहां डाला जाता है जब आदमी अपनी बात को साबित कर नहीं पाता झगड़े करता है इसको याद रखिएगा झगड़े प्रेशर और जबरदस्ती कहां होती है जहां आदमी अपनी बात साबित नहीं कर पाता है तो ताकत का इस्तेमाल करेगा झगड़े करेगा गाली गुलूज पे उतर आएगा क्यों उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए प्रूफ नहीं है दलील नहीं है अल्लाह करा क तब रोशो मिनल गई हिदायत और गुमराही बिल्कुल प्रूफ से वाज हो चुकी है जब ए मुसलमानों तुम्हारे पास प्रूफ है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है हक क्या है बातिल क्या है तुम्हारे पास प्रूफ है ये शिरक है ये तोहीद है ये सब वाजे है जब तुम्हारे पास प्रूफ है बात करने के लिए सच और झूठ में हक और बातिल में तुमको प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं है सामने तालीम पेश कर दो वो पढ़ेगा इंसाफ वाला होगा मानेगा जिस आदमी के सामने कुरान की तालीम या इस्लाम की तालीम पेश कर दी जाए अगर वाकई वो इंसाफ वाला बंदा है और अपने जहन से समाज और तसब का और इस तरह से जो है जिद का चश्मा निकाल के बाहर रख के कुरान पढ़ेगा इस्लाम पढ़ेगा वो कबूल कर लेगा अल्लाह ने कहा कि तुमको ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं सच्चाई पेश कर दो मानने वाला होगा मान लेगा नहीं मानना है जो नहीं मानता है इसका मतलब वह ताब है जिद में है या वो मानना ही नहीं चाहता है तो ये आज बहुत बड़ा झूठ एक जो फैलाया जाता है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम जबरदस्ती लोगों को बहुत सारे मुसलमानों ने मुसलमान किया लोगों को बनाया झूठ है क्यों हम क्या बोलेंगे लोगों को कुरान अल्लाह ताला का कलाम है अल्लाह ने सूर्य बकरा की दो नंबर में आयत में ऐलान कर दिया लाइक लाक्राफी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है और कोई मुसलमान ज़बरदस्ती कर सकता ही नहीं और तारीख पूरी गवाह है आज तक किसी मुसलमान ने किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया कुछ नहीं किया है तो ये झूठ है ये मीडिया फैलाती है लोग फैलाते तो हम ये तालीम समझें इस्लाम अमन वाला दीन है ज़बरदस्ती किसी को नहीं करता हाँ इस्लाम अपनी सच्चाई पेश करता है बताता है देखो हक और बातिल क्या है तुम मानो तुमको मानना है मानो मानोगे तुम्हारा फ़ायदा है नहीं मानोगे तुम्हारा नुकसान है बस इतने बताते हैं भाई नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या बताना ज़रूरी है हम बता देते दे तुम्हारे तो सामने तो ये बहरहाल ये हम याद रखें अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस्लाम पर आज जो एतराज़ात किए जाते हैं उन एक एक बातों को हम पढ़ें लोगों को हिकमत से जवाब दें अल्लाह ताला हमें इसकी तोफ़ी अदा फरमाए और इस्लाम पर अमल करने की इस्लाम को मजबूती से थामने की इस्लाम पर चलने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन तकबले रबल ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला